हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इन्फो। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक गेमिंग मदरबोर्ड जो कि गीगाबाइट के तरफ से आता है। इसका मॉडल नंबर B450 ऑरस प्रो गेमिंग मदरबोर्ड है जो कि AMD का सॉकेट AM4 को सपोर्ट करता है, जिसमें आप AMD के राइजन 5 राइजन 3 के थर्ड जनरेशन प्रोसेसर को आसानी से लगा सकते हैं और ये आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉक्स के पीछे में आपको कुछ हाइलाइटिंग फीचर दिए गए हैं कि इसमें RGB फ्यूज़न 2.0 का सपोर्ट दिया गया है और भी कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स इसके पीछे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका मदरबोर्ड का बॉक्स है। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में और क्या क्या दिया गया है। बॉक्स को ओपन करते हैं, ये है आपका मेन कॉन्टेंट। चलिए मदरबोर्ड को साइड करते हैं और देखते हैं कि और भी क्या क्या दिया गया है मदरबोर्ड के बॉक्स के नीचे। तो और ये देख रहे हैं कि ये बॉक्स के नीचे आपका एक यूज़र मैनुअल है, कुछ टूल्स हैं और ये दो स्क्रू दिया गया है। ये पता नहीं कहाँ लगेगा, ये बॉक्स मदरबोर्ड का रैप हटाने के बाद ही पता चलेगा कि ये इसे हम कहाँ पे लगा सकते हैं या फिर इसका क्या यूज़ है। ये देखिए, ये दो साटा केबल दिया गया है ब्लैक कलर का और ये है एक आपका, मेरे ख्याल से ये एक होल्डर है जिसमें आपका पावर वाले सारे केबल्स और जो पिन है उसको इसमें लगा करके इसको मदरबोर्ड में लगाना है। ये आपका यूज़र मैनुअल, ये आपका मदरबोर्ड का ड्राइवर CD और ये एक स्टिकर दिया गया है और उसका, इसे आप अपने कैबिनेट पे लगा सकते हैं। बॉक्स को साइड करते हैं और देखते हैं कि मदरबोर्ड में क्या 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 है, कितने कितने पोर्ट दिए गए हैं। चलिए जल्दी से रैप को हटा लेते हैं और देखते हैं कि मदरबोर्ड किस तरह का है। ये रहा आपका ये मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का वेट काफी अच्छा है, उठाने में बहुत भारी है ये मदरबोर्ड। जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं, ये आपका पावर रिसेट स्विच का कनेक्टिंग पॉइंट है, ये आपका फ्रंट के USB के हैं, दो M.2 का स्लॉट है, एक बड़ा है एक छोटा है। इस मदरबोर्ड में आपको टोटल 3 ग्राफिक कार्ड के स्लॉट दिए गए हैं। आप चाहते तो इसमें 3 ग्राफिक कार्ड एक साथ ला करके हाई एंड गेमिंग का मजा ले सकते हैं। ये आपके 4 रैम स्लॉट दिए गए हैं, 2 ऊपर और 4 नीचे आपके साटा पोर्ट दिए गए हैं और SMPS से जो आपके कनेक्टर आते हैं, 8 पिन का कनेक्टर ऊपर और 24 पिन का कनेक्टर आपके इधर लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए देखते हैं मदरबोर्ड के साइड्स में क्या क्या पोर्ट्स हैं। इसमें आपके 4 USB 3.0 के पोर्ट दिए गए हैं, एक USB 3.1 का है, एक USB 3.1 Type-C है, एक DVI, एक HDMI, एक LAN पोर्ट और एक ऑप्टिकल आउटपुट, बाकी आपके साउंड्स और माइक के इनपुट आउटपुट के पोर्ट दिए गए हैं। और ये हाँ, आपका मदरबोर्ड के बैक साइड में आप देख सकते हैं, मेरे हाथ के नीचे आपके कुछ LED लाइट्स दिए गए हैं। ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर में आप देख रहे होंगे एक ऑरस करके लिखा हुआ है, इसमें आपका RGB लाइट है जो कि आपको मदरबोर्ड के
कि आप ऐप के थ्रू इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप आपको जो मन करता है आप उस लाइट को उसमें सेट कर सकते हैं। यह रहा आपका मदरबोर्ड का कंप्लीट रिव्यू और कुछ कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।